जय बोलो देवादिदेव एक हजारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमस्ते। कल बात की गई थी जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सचेष्ट रहो, सजग रहो, सावधान रहो और समझ के साथ जियो। आज उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मनुष्य को सदैव सचेष्ट अर्थात अपने हितों के प्रति तत्पर रहना चाहिए। जब तक हमारे अंतर मन में वैसी तत्परता नहीं होती हम सही उद्यम नहीं कर सकते और जब तक सही उद्यम नहीं होता तो सही परिणाम नहीं होता। ऐसे लोक में कहा जाता है कि शरीर के सब अंगों से काम लिया जाए तो सारे अंग सक्षम होते हैं और जिस अंग से काम नहीं लिया जाता वो अंग कमजोर हो जाता है। ये बात सही है ना? मतलब प्रकृति ने हमें क्रियाशील रहने की प्रेरणा दी है। क्रियाशील रहो, लोक हो या लोकोत्तर, अर्थ हो या परमार्थ, जब तक तुम सचेष्ट रहोगे तभी तक आगे बढ़ सकोगे। यदि तुम्हारी क्रियाशीलता खत्म हो गई तुम अनुद्यमी बने तो तुम्हारा पतन सुनिश्चित है। तो न तो मन में आलस आने दो न अपने कार्यों के प्रति अनुत्साह रखो अपितु सतत तत्परता और उत्साह के साथ अपना कार्य करो। लोक में हम देखते हैं जो आदमी अपने कार्यों में जुटा रहता है उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है और जो अपने कार्य से उदासीन हो जाता है धीरे धीरे वह अप्रासंगिक बन जाता है, होता है ना? तो तुम कहीं अप्रासंगिक ना बन जाओ अथवा तुम अपनी उद्यमहीनता के कारण अपना कोई बड़ा नुकसान न कर बैठो। इसलिए सतत क्रियाशील रहो, एक क्षण के लिए भी रुको मत, आगे बढ़ो और चलते रहो। देखो ये मत सोचो कि मैं कितना चल लिया, सदैव ये देखो कि मुझे कितना और चलना है। प्रायः लोग अपनी तुच्छ उपलब्धि को ही बड़ी उपलब्धि का भ्रम मानकर वहीं रुक जाते हैं और जो रुकता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। अपनी प्रगति को जारी रखना है तो रुको मत। ये केवल लौकिक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, पारमार्थिक दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है। हम मुनियों के लिए शास्त्रों में कहा गया कि जीवन के आदिम क्षण से लेकर अंत तक आराधना में लगे रहो, एक पल भी मत रुको, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है
कि नाव किनारे पर ही डूबती है। क्या? नाव किनारे पर ही डूबती है, समझ गए? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी नाव किनारे पर न डूबे। कल खरगोश की बात मैंने कही थी, अपनी उद्यमहीनता के कारण खरगोश सो रहा है और कछुआ बाजी मार रहा है। कछुए से प्रेरणा लो, अल्प शक्ति और सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी यदि सतत सक्रिय है तो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, और क्रियाशीलता के अभाव में अधिक शक्ति संसाधन और सामर्थ्य से संपन्न रहने के बाद भी व्यक्ति पिछड़ जाता है। व्यक्ति पिछड़ जाता है। अपने आप को पिछड़ने से बचाओ, सक्रिय रहो। आपने जुगनू को देखा? जुगनू, जुगनू में चमक तभी तक होती है जब तक वो सक्रिय रहता है, ना? है ना? जुगनू तो समझते हैं ना। जुगनू में चमक तभी तक रहती है जब तक कि वो सक्रिय रहता है। इसी तरह मनुष्य का आप तभी तक होता है जब तक वो सक्रिय होता है। निष्क्रिय होते ही निस्तेज हो जाओगे। इसलिए अपने हित में तत्पर रहो, ये मेरे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। चाहे व्यापार कारोबार हो, चाहे दुनियादारी की बात हो, और आत्मा के कल्याण की। मुझे दिखता है कि तुम लोग दुनियादारी के कार्यों में तो बड़े तत्पर रहते हो, हाँ, लेकिन परमार्थिक कार्य में अनुद्यमी। कहावत है, प्रभु भजन को आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बारंबार धिक्कार, है ना? अरे भाई, तुम लोक के कार्यों में जैसी तत्परता दिखाते हो, यदि आत्महित में उसका दशमांश भी लगा दो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। ध्यान रखना, बाहरी कार्यों में शक्ति का अपव्यय भी हो सकता है, पर परमार्थ के कार्यों में शक्ति का अपव्यय नहीं, शक्ति का संचय होता है, उसकी वृद्धि होती है। केवल लगाने भर की देर है। रुचि जगाइए, दृष्टि प्रकट कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम कर लीजिए। तो सचेष्ट रहना है, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होना है। बोलो, 20 वर्ष पहले तुम जहां थे अर्थ के क्षेत्र में, आज उससे काफी आगे बढ़ गए होगे। बढ़े कि नहीं बढ़े? आज तुम्हारे पास जितना पैसा है, आज से 20 साल पहले तुम्हारे पास वैसा नहीं होगा। हो सकता है 20 वर्ष पहले तुम किराए के मकान में रहते होगे, आज अपना मकान बना लिया। 20 वर्ष पहले तुम्हारा छोटा सा धंधा होगा, आज बड़ा धंधा बना लिया। 20 वर्ष पहले तुम्हारे पास एक ही मकान होगा, आज तुम 4 मकान के मालिक बन गए। 20 वर्ष पहले तुम्हें कोई नहीं पहचानता होगा, आज पूरी समाज में तुम्हारी पहचान हो गई। हुआ ना? ये 20 साल की प्रगति की एक रिपोर्ट है ना? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि तुम 20 साल की अपनी प्रगति का विवेचन दो, तो मुझे लगता है कि कई पन्ने भर के दे दोगे। लेकिन ये बताओ, 20 साल पहले जितना धर्म करते थे, आज उससे आगे बढ़े कि वहीं हो? देखना इस बात को है। 20 वर्ष पहले भी तुमने वही रात्रि भोजन छोड़ा था, आज भी वहीं अटके? 20 वर्ष पहले भी केवल देव दर्शन तक सीमित थे, आज भी वहीं अटके? 20 वर्ष पहले भी तुमने अपने
चर्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। 20 साल पहले जैसी चर्या थी आज भी वही। तो बोलो ये चलने के लक्षण है कि ठहरे हुए होने के? हाँ, तो ये बताओ जीवंतता चलने में है या ठहरने में? हाँ, कब चलोगे, कब चलोगे? हाँ, कब चलोगे? शमशान पहुंचने के बाद पूरे ही से चले, है ना? गुरुदेव ने लिखा वो चल बसा, यानी यहां से वहां जा बसा, जाकर बसा। चल बसा यानी यहां से वहां जाकर बसा। तो यहां से वहां बसोगे, बस वही होगा ना, वही तुम्हारा चलना होगा। सचेष्ट रहिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होइए। फिर सजग, मेरे संकल्पों में शिथिलता ना आए, मेरे हितों में कोई बाधा ना हो, कहीं कोई ऐसा कारक उपस्थित ना हो जाए जो मुझे रोक दे। जो भी क्रिया करो जागरूकता के साथ करो, यांत्रिक बनकर मत करो। कर रहा हूं सामायिक और बैठे बैठे ऊंग रहा हूं, कर रहा हूं पूजन, मन इधर उधर भाग रहा है, पाल रहा हूं व्रत पर अतिचार लग रहे हैं, कर रहा हूं उपवास पर मन भोजन में रमा है। बोलो जो भी कार्य करो सजगता के साथ करो, जागरूकता के साथ करो, पूरे मन से करो, डूब कर करो, तब सफलीभूत होगे। अगर आप पढ़ाई भी करोगे आधे मन से करोगे तो क्या होगा, कुछ होगा? डूब जाओ, गहरे उतरो, उसमें लीन हो जाओ। जिस समय जो कार्य हाथ में हो केवल और केवल वही कार्य हो। तो कभी भी डगमगाने का सवाल ही नहीं होगा, स्थिरता बनी रहेगी और जीवन आगे बढ़ सकेगा। एक बार एक बच्चा मेरे पास आता था, बहुत पुरानी बात है, आज से 25 साल पुरानी। तो मेरे सामायिक का टाइम था, बच्चा अकेला आया। बोले तुम आज अकेले आए? बोले नहीं, दादी के साथ आए। बोले दादी कहाँ? बोले मंदिर में। क्या कर रहे? बोले सामायिक कर रहे। छोटा सा बच्चा था, होगा 5-1 साल का। दादी कहाँ? मंदिर में। क्या कर रही? सामायिक कर रही। बोले सामायिक क्या होता है? तो हार के बाद का समय था, एक युवक धोती दुपट्टा में था, तो उसने कहा अंकल आप अपना दुपट्टा दीजिए ना। उनका दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेके अपना सिर ढांका, ऐसा जैसा ढांकते हैं, और बैठ गया। और बैठने के आधा मिनट बाद झूलने लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला सामायिक कर रहा हूं। सामायिक कर? बोले ऐसी सामायिक? बोले दादी ऐसी सामायिक करती है। तो क्या है, बैठे बैठे ऊंघने का नाम सामायिक नहीं है, ये हमारी अजागरूकता का द्योतक है। कोई भी क्रिया करो सजगता के साथ करो, तत्परता के साथ करो। सजग रह करके जब काम करोगे तभी उसका सुपरिणाम होगा। अगर अजागरूक रहोगे तो कोई अर्थ नहीं।
बताओ, व्यापार तो तुमने लंबा चौड़ा फैला लिया, सैकड़ों नौकर चाकर लगे हैं, टर्न ओवर भी बहुत है, अच्छा, लेकिन बैलेंस शीट पर ध्यान नहीं, तो क्या होगा? वो नेगेटिव हो गई, माइनस में चले गई, तो क्या होगा? बोलो, हाँ, एक कुशल व्यापारी की पहचान है, वो कुछ भी करे या ना करे, उसकी नज़र बैलेंस शीट पर रहती है। रहती है नहीं रहती? बोलो, तुम लोग क्या करते? बोले, महाराज बैलेंस शीट थोड़ी गड़बड़ाती, रात की नींद उड़ जाती है, है ना? बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये सजगता का उदाहरण है और उसका परिणाम है। अगर तुम अपने कार्य के प्रति सजग रहोगे तभी आगे बढ़ सकोगे। यदि तुम्हारे अंदर अजागरूकता आ गई तो तुम्हारे पतन को कोई नहीं रोक सकता। तो सजग रहना है, क्या करना है? सजग रहना है और सावधान रहना। अपनी दुर्बलता के प्रति सजग रहा जाता है और बाहरी बाधाओं के प्रति सावधान रहते हैं। तुम्हें जगना किससे है? अपनी कमजोरी से। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और वीकनेस को खत्म करो। हर मनुष्य के अंदर बहुत सारी ताकतें होती हैं और बहुत सारी कमजोरियां। अगर तुम अपने कमजोरियों के प्रति जागरूक नहीं रहोगे तो तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे लिए साथ नहीं देगी, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो देखो मेरे कौन सी दुर्बलताएं हैं, मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी ऐसी वीकनेस है जो मेरे उद्देश्य में बाधक बनती है। उनके प्रति सजग रहो और चेष्टा पूर्वक उन्हें दूर करो। और बहुत से अरे बाहरी तत्व भी होते हैं, उनके प्रति सावधान रहो। वो क्या है? लौकिक क्षेत्र में जो तुमको नुकसान पहुंचाए उससे बचो। दुकान खोल रखे, चोरी चमारी ना हो। व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से कोई हमें और नुकसान न कर दे, कोई शत्रु हमारा न बन जाए और वो हमारा किसी तरह से नुकसान न करे। ये सब चीज़ें आप लोग सोचते हो कि नहीं? ये सावधानी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में निमित्तों से सावधान रहो। किससे? निमित्तों से सावधान रहो। ऐसे निमित्तों से यथासंभव अपने आप को दूर रखो जो तुम्हारे परिणामों को बिगाड़ते हैं। अगर निमित्तों से सावधान नहीं होगे तो फिर क्या होगा? फंसोगे और क्या होगा? यही होता है ना। निमित्तों से सावधान रहना जिससे तुम्हारे मन में विकार आता हो, जिससे तुम्हारे चित्त में उद्वेग आता हो, क्षोभ आता हो, तनाव बढ़ता हो, अशांति होती हो, आकुलता बढ़ती हो, ऐसे निमित्तों से बच कर रहो। जानबूझ करके उलझो ही मत, है ना? ये सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो, हाँ रखनी चाहिए। रखते हो। आदमी गुस्से में है, ठीक है, उल जलूल बकरा है, उस समय क्या करना चाहिए? उससे जाके बहस करना चाहिए या किनारा काटना चाहिए? हाँ, आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? देख रहे हैं कि इसका पारा गरम है तो आप उसको और गरम करने का काम क्यों करते हो? हट जाओ वहां से।
या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको देखकर आपको गुस्सा आए, आप अपने आप को दूर कर लो। अरे ये उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ कर दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति उलझ जाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो निमित्तों से सावधान रहो। हालांकि जिसके अंदर आध्यात्मिक जागरूकता रहती है वो निमित्तों से अप्रभावित रहता है, लेकिन उस भूमिका में हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो जब तक मैं उस भूमिका तक न पहुंच जाऊं, तो कम से कम निमित्तों से जागरूक तो रहूं, निमित्तों के प्रति सावधान तो रहूं, चला करके ऐसा न करूं। ये तो हम कर सकते हैं, टाल दो। टालने से बातें संभलती है। एकदम से तनातनी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और अक्सर गड़बड़ ही होता है। इसलिए टालना है, संभालना है, और समझ से काम लीजिए। कोई भी काम करना है तो समझदारी के साथ कीजिए, पूर्वा पर विचार करके कीजिए, उसके परिणाम को सामने रखते हुए कीजिए, ताकि किसी भी कार्य का कोई दुष्परिणाम भुगतना ना पड़े। ऐसी समझ जिस मनुष्य के मन में जगती है वह कभी विफल नहीं हो सकता। तो आज अधिक विस्तार न करके जो चार बातें कल की थी उन्हें ही आगे बढ़ा करके मैं यहीं समेट रहा हूँ। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।